नाज़रीन बारिश तेज़ होने वाली है, तो इससे चाहे हम अपना अपना कैमरा जेब में डाल दें वरना हमारा कैमरा ख़राब हो जाएगा। यहीं के रहने वाले हैं कश्मीरी आप? माशाल्लाह, सुना है आप कोई इंडिया का कोई वो कोई होता तो नहीं है चक्कर, कोई लड़ाई चढ़ाई वाला? नहीं यार इधर कोई नहीं। अच्छा कोई चक्कर नहीं होता? अस्सलाम। नहीं नहीं कोई ऐसा। अच्छा सही। तो नाज़रीन जैसे आप देख रहे हैं बारिश शदीद किस्म की हो रही है और ये अखरोट का दरख्त है, आपको बताना चाह रहा था मैं, बता दूँ ये अखरोट के दरख्त लगे हुए हैं, ये सामने भी अखरोट के दरख्त लगे हुए हैं ना, सेब सेब लगे हैं, पहले मैं सेब समझ रहा था मैं। तो भी अभी अभी हम शारदा पहुंचे हैं और ये मेरा कैमरा छीन रहे हैं, ये हमारे कैप्टन ऑफ अमेरिका। तो अभी हम शारदा पहुंच गए हैं, अभी हमारे पीछे वाला ये वाला आई थिंक यही है ना पीछे, यही पिछला हमारा होटल है, अभी स्टे करेंगे। ठीक है भाई, इस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें जिंदा सलामत जिंदा सलामत पहुँचाया और हमें बहुत जल्दी पहुँचाया, 8 बजे का टाइम था लेकिन 5 बजे पहुँचाया, थैंक यू सो मच। शारदा में हमने स्टे किया और वहाँ हमने डिनर भी किया और बॉनफायर भी की। आपको और ऐसे मौके दे, उमर जावेद साहब को और मौके दे, आपको बड़ी बड़ी हाई पोस्ट पे दे मौके इवेंट के, तो थैंक यू सो मच मिस्टर याया खान जिन्होंने जो हमारे याया खान ही है ना आप सर खान, मैं अपनी प्यार तखल्लुस आपको दे रहा हूँ प्यार मोहब्बत का, भी खान नहीं होता सर मैं बना दूंगा कोई टेंशन। तो यार 7 बज रहे और हमें उठा दिया गया कि भाई जल्दी करो हमने आगे की तरफ भी जाना है, तो हमारा नाश्ता भी नीचे लगा हुआ है और व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू यार आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये हमारे होटल के सामने वाला व्यू है। तो यार हमारी अभी आंखें शांखें इसलिए सूजी में क्योंकि रात को हम तकरीबन 12-1 बजे सोए हैं, बाहर बैठे रहेंगे, बड़ा मज़ा आया बाहर बातें करते रह गए हैं, बहुत मज़ा आया, पानी को पानी की लगी है, पानी गर्म है इधर तो गर्म आ रहा है शुक्र। तो बस अभी चलते हैं हमारे यहाँ, चेंज करते हैं कपड़े, नहाते हैं, फिर अभी हमारे कैप्टन साहब अंदर घुसे हैं, कैप्टन साहब निकलेंगे अभी, चलते हैं। सो आई एम रेडी, तो सारी माम चली गई है नीचे, हम सारी नाश्ता करिए, तो मैं भी चलता हूँ नाश्ता कर दूँ जाके। तो अब हमारा जाने की बारी है, ये है हमारा होटल और ये है सामने वाला व्यू। अच्छा मुशर्रफ की आप बात बता रहे थे, क्या थे वो जब आया था उसके पास सीज़ फायर हुआ था, इस रास्ते में फायर नहीं हुआ, उससे पहले तो ये मेन रोडें बंद होती थी। अच्छा ये सारी बंद होती, पास निकाले हुए थे पहाड़ों से जिस पे गाड़ी। अच्छा अच्छा, अब मतलब सुकून है इधर है ना फुल, हाँ सही। इस पे जाएंगे हम, जिंदगी ये भाई ये शुगर, जिंदगी मौत की अमानत है, गली गैंग करे खली वली बैंग बैंग, नंबर कारी दोस्त सारे टली पूरी गैंग गैंग, फली तोड़ी हेटर्स के थोबड़े पे ब्लैंक ब्लैंक, जोड़ तोड़े इनके हमने तोड़ मोड़े टैंग टैंग, बजे गाना ढैंग बस गाना तोड़े। अब हम कहाँ जा रहे हैं सर? देखो इधर हम जा रहे हैं खेल, अरुण खेल, अरुण खेल, मेरा ब्लॉग तू झेल, अरुण खेल मेरा ब्लॉग तू झेल।
भाई अभी एक जगह पे रुके हैं अरनकेल से थोड़ा सा पीछे, चश्मे का पानी भी ऊपर से आ रहा है पहाड़ों से, और मतलब बड़ी भी अभी जगह है, आपको दिखाते हैं, चेक करेंगे। आज हमें आम खिला रहे हैं, थैंक यू उमर जावेद भाई, थैंक यू सो मच। आयो कैप्टन सर, आ जाओ भाई, फ्री का आम मिल रहे हैं, बाद में नहीं मिलने हैं ऐसे, आ जाओ यार, मुंह धो लेंगे, कोई बात नहीं है तो बताएं। नहीं नहीं, आप सुंदराज की हो सकती है, आपने इतने एंजॉय कर रहे हैं, फ्री में खिला रहे हैं, आ जाए फ्री में, आ जाए। जय साहब हमारे लिए आम काटते हुए फरीके। ना अगर आप अरनकेल आए और आपको अगर फ्री के आम ना मिले तो फिर आप आए क्यों? क्यों आए बताए मुझे, आप आए क्यों? पीली पीली शर्ट, पीले पीले आम, वाह वाह, थैंक यू सो मच। फ्री के आम कहाँ पे फेंकने हैं? आ जाओ भाई चले हैं। हमारी कौन सी, ये वाली है ना? हाँ हाँ आगे, ठीक है आगे, हमारी आगे की। आज मैं वाह, यहाँ तो लाइन लगी हुई आई थिंक। इतनी बड़ी, हाँ हाँ इतनी लंबी लाइन है साथ, ठीक है पैदल चलते हैं। यार आप तो कैप्टन, आप तो बस, मैं कहता हूँ चलें आप हमें ट्रेनिंग दें कि कैसे चलना है, क्योंकि आपको ज़्यादा पता होगा ना ऐसे। तो यार ये जो लिफ्ट पे जाने वाला सीन था, लिफ्ट वाला कैंसिल कर दिया क्योंकि बहुत आराम है, वापसी में लिफ्ट पे आ जाएंगे, लेकिन अभी हम हाइकिंग करते हुए जा रहे हैं। तो हाँ या सर पता नहीं वो पीछे ही है। तो नाजरीन जो ये देख रही है वाली लिफ्ट, छः लिफ्ट अब वहाँ जाएगी, वहाँ से वो लाइन जो लगी हुई उन लाइन वालों को सबको एक एक करके बिठा रहे, तो आधा घंटा लग जाना है, दो घंटे तो ऑटोमेटिक ही फेर लग रहा है भाई, पीछे धक्का आ रहा है, ऊपर चढ़ते हुए जोर लगेगा इंजन का, ब्रेक ही नहीं लग रही यार, अभी एक किलोमीटर भी नहीं किया, थक गए। आगे पता नहीं क्या होगा, अभी तो नीचे झलवान है, नीचे वाले अभी जा रहे हैं, जब ऊपर की तरफ जाएंगे फिर पता लगेगा। ओए ब्रेक नहीं लग रही साथ, वाह बैग में डाल, ओए पानी की बोतल भी नहीं लेके आए उस्ताद, अबे साथ साथ घूमो, ये ना हो पता लगे कोई किधर गुम हो गया, कोई किधर, इकट्ठे घूम, चलो ग्रुप में। ये यही गिर रहा था ना जो भाग रहे हैं, ये आईसी आईसी। कैप्टन सर आप तो नहीं थके होंगे, आप तो ट्रेनर हैं, आप बल्कि हमें ट्रेन करें कैसे बचाना है यहाँ से। हाँ ट्रेनिंग होगी, ये मतलब कि ये वाला रास्ता सारा ऊपर की तरफ जाना है, वो ऊपर किधर, यहाँ वो उस तरफ जाना है। बस हो गया ग्रुप पूरा, सारे आ गए, चलें शुक्रिया, थैंक यू सो मच यार। जी हाँ पैदल, जी जी पता है, हाइकिंग करेंगे तो एडवेंचर होगा ना भाई, आप पहले से डरा रहे हैं, मैं हौसला दें आप, क्या क्या हाइक कर, तो भाई बड़ी शदीद किस्म की प्यास लग गई थी रास्ते में, तो शुक्र है चेक पोस्ट ने एक छोटी सी क्या थी फौजियों की पोस्ट थी, पानी पिलाया उन्होंने, और उनसे पूछा कि भाई आगे कितना मिनट का सफ़र है, तो उन्होंने बताया क्या है पैदल जाओगे आगे 45 मिनट और लगेंगे, मतलब कि मिनिमम 45 मिनट, मैक्सिमम एक घंटा भी लग सकता है अगर आप स्लो ऐसे जैसे मैं अभी चल रहा हूँ ऐसे चलते रहे तो घंटा लग सकता, थोड़ी स्पीड पकड़ोगे तो 45 मिनट भी माना एक घंटा, तो घंटा सॉरी नॉट अ घंटा। हाँ नहीं नहीं ज़्यादा आगे ना जाना, क्या आराम आराम से,
राम राम बस चल गए आए चले वो जा रही है जी लिफ्ट जिस पे हमने जाना था लेकिन नहीं गए क्योंकि आवाम रश बहुत था और जाते जाते दो घंटे लग जाते इससे अच्छा हम 45 मिनट का सफ़र करके जाए नहीं चढ़ सकते भाई मेरे दिल मेरा ऐसे दुख दुख कर रहा है जैसे बड़ी स्पीड में जैसे मैं आया हूँ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ऑल एक्शन एंड रिएक्शन सो अब आगे कितना सफर रह गया भाई तुम्हें पता है कितना और है ओह माय गॉड मर गए कितना आया कहता इतना और भी है हाइट पे अच्छा मौसम है फाइनली हम पहुंच गए 11:23 पे निकले थे अभी टाइम देखते हैं कि क्या टाइम हो गया 1:02 सैटरडे 22 जून 2019 और ये व्यू है भाई पीछे का 2 मिनट दिखाता हूँ ये व्यू है पीछे का और ये आगे का आप खुद देख रहे हैं उफ यार मैं बड़ा खुश हूँ एक चीज़ देख के कि यहाँ इन्होंने डस्टबिन वगैरह हर चीज़ लगाई हुई है कि आप कचरा मत कीजिए तो मैं आपको एक बात यह बता दूँ कि आप कभी भी नॉर्थन एरियाज़ की तरफ आएँ तो अगर आपके पास कोई बॉटल है या कोई शापर वगैरह है और आप मतलब के प्लास्टिक बैग लेके साथ फिर रहे हैं तो कभी भी कचरा मत कहीं भी ना गिराएं क्योंकि इससे हमारे ही मतलब खूबसूरती का मतलब हमारे एरिया की खूबसूरती सारी ख़राब होती है तो आई होप कि आपको समझ आई होगी या खान साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी आपने हमें आम खिलाए हमें घुमाया हमें फिराया तो अब लिफ्ट में बैठेंगे यहाँ से लिफ्ट से फिर वापस से सीधा किरण जाएंगे ना या साहब जी किरण हाँ तो किरण जाएंगे और ये के हमारा नाइट स्टे होगा उधर फिर उसके बाद अगले दिन सीधा घर हमारे बगैर Like we've come to the end of the road There's no point in running away now I'd rather sleep until the storm is gone She'd rather be shooting at me now I know it will end up in anger I don't think we grew up, we just became older She's aiming her words, ready to fire I don't think that bullets will bring back desire सामने दो मतलब के फंस चुके हैं आपस में एक ट्रक दूसरा भी ट्रक तो दोनों फंस चुके हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि हम जल्दी जा सकेंगे बारिश भी हल्की हल्की हो रही है और हमारे जो लीडर साहब हैं वो सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं यस सर सो व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान क्या लगता है हो जाएगा ये हो जाएगा अच्छा ना हो सका तो ना हो सका तो हमारे आज कैप्टन अंदर बैठे हैं ये देखें ड्राइवर सीट साइड कैलेंडर बन के बैठे हैं अंदर को जरा गौर से देखिए शख्स को days
She'd rather be burning it all now. I know we will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. तो भाई इस चक्कर यो है कि अब हम जाने लगे हैं कैरन कैरन से फिर अगले दिन उसके एक नाश्ता स्टे आज की रात फिर आज ही रात पहुँचेंगे आज रात स्टे है तो उसके अगले दिन हम चले जाएंगे सीधा अपने घर मुझे लगता है मौलवी ड्राइवर हमारा सो रहा हाँ तो भाई चक्कर है कि अभी हम इधर नीलम स्टार में पहुँच गए हैं सॉरी कैरन पहुँचे हैं नॉट नीलम स्टार तो नीलम स्टार होटल है कैरन में हमने रात को स्टे किया वहाँ हमने डिनर किया और फिर सुबह होते अभी 6 बजे और आज हमारा आखिरी दिन है कैरन में बल्कि आज ही हम 10 बजे या 11 बजे चले जाएँगे यहाँ से डायरेक्ट सीधा लाहौर इस्लामाबाद तो आज मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे होटल के बिल्कुल सामने इंडिया वालों के होटल से आपको दिखाता हूँ ये देखें ये सामने देख रहे हैं ये सामने वाले इंडिया वालों के होटल्स हैं और ये नीचे दरिया है और ये नज़ारा है जी चेक कीजिए और सुबह होते ही हमने लाहौर की तरफ वापस रवाना होना था लेकिन हम जल्दी सुबह उठे और अपर नीलम की तरफ चले गए हाँ तो भी अभी हमारा अपर नीलम जाने का प्लान बन रहा है तो 10 मिनट हमें ऊपर जाने में लगेंगे 10 मिनट आने में लगेंगे तो फिर उसके बाद हम चले जाएंगे बाकी हम नाश्ता कर रही है और ये कि हमने नाश्ता कर लिया है तो मैंने सोचा आपको मैं बता दूं तो नाश्ता मैंने कर लिया लंबा है अनलिमिटेड है वो तो भाई यहाँ फोटो शूट हो रही है तो फोटो शूट करना ही है पैसे तो पूरे करने हैं ना भाई आए हैं इतनी दूर अब व्यू चेक करें बस बाकी सब चीज़ें छोड़ें क्या सीन है यार तो यार अपन ने जब घूम लिया माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी तो ये भाई हमारे बहुत अच्छे भाई हमें मिल गए हैं सफ़र के दौरान फ्रेंड बन गए हैं तो अब हम जाने लगे हैं घर तो यहाँ से जीप से वापस घर वहाँ नीचे जाएंगे कैरन से सीधा अपने घर बस यही था फिर उसके बाद वापस आए तो देखा तो बस आ गए तैयार थे कि भाई वापस चलो और फिर हमारा आगाज वापसी की तरफ हुआ यार दिल तो नहीं कर रहा जाने को लेकिन जाना पड़ेगा तो नाज़रीन यहाँ पर मेरा सफ़रनामा इख्तिताम पज़ीर होता है उम्मीद करता हूँ आपको मेरा सफ़रनामा पसंद आया होगा